जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जे जी डी आर क्राफ्ट में स्वागत है। आज इस तरह से सीधी पट्टी से हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस बनाई है। 01 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है ये, 2 नंबर को भी आ जाएगी। इसके साथ के हमने कैप बनाई है, इसे मैंने 3 कलर से बनाया है। ब्लू कलर से इसकी आउटलाइन बनाई है, गोल्डन येल्लो और लाइट येल्लो से इसका घेरा बनाया है, और इसकी चोली मैंने इस तरह से अलग अलग प्लेन पट्टी से चोली बनाई है। इसके साथ के हमने कैप बनाई। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले अपनी ब्लू कलर की उनसे हम फंदे डालेंगे। इसके लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है और इसके साथ में 12 नंबर की सिलाई ली। ये 9 नंबर के से हम पूरी ड्रेस बनाएंगे और इसके अंदर हम 90 फंदे डालते हैं। इस तरह 2 सिलाइयों के अंदर इसके अंदर इस तरह से हम 90 फंदे डालते हैं। इस तरह मैंने अपनी सिलाई के अंदर 90 फंदे डाल लिए हैं और 12 नंबर की सिलाई को इसके अंदर से हम निकाल लेंगे। पहली रो में सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे, तो इसमें सभी फंदों को उल्टा निकाल के अपनी इस फर्स्ट रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने सभी फंदों को उल्टा निकाल के अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी ब्लू कलर की उनको यहाँ कट कर देंगे हम। यहाँ पे मैं अपना सेकंड कलर लगाऊंगी, यहाँ सेकंड कलर से मैं सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगे। इसमें सभी सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी निकलेंगी, सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। इस तरह इसके अंदर मैं सभी सिलाइयों को उल्टा उल्टा निकालूंगी। तो अपनी इस सिलाई को भी उल्टा निकाल के इसे कंप्लीट करती हूँ मैं। इसे निकालते मैंने अपने सेकंड कलर से सभी फंदों को उल्टा निकाल लिए। अपनी सेकंड रो में भी अब इसे सभी फंदों को उल्टा निकालेंगे। इसके अंदर अपनी इस वाले कलर से हम कुल इसके अंदर 10 सिलाइयाँ निकालेंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई निकल रही है। इसके बाद इसके अंदर हम 8 सिलाइयाँ और निकालेंगे जो हमारी दोनों तरफ से उल्टी उल्टी रहेंगी। इस तरह इसके अंदर कुल 5 रो गांठ स्टिच के बन जाएंगे। तो इससे मैंने इसके अंदर ये 8 सिलाइयाँ ना निकाल के मैंने इसमें 10 सिलाइयाँ निकाली हैं। तो कुल हमारी इसके अंदर गांठ स्टिच की गोल्डन येलो कलर से 6 रो हो गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और छठी रो हमारी सिलाई पे। तो कुल हमने ब्लू कलर की उनके बाद इसके अंदर 10 ना निकाल के कुल 12 सिलाइयाँ निकाली और अपनी उनको यहाँ कट कर दिया है। अब इसके अंदर मैं अपना ये लाइट कलर लगाऊंगी और लाइट कलर्स के इसके अंदर दोनों तरफ से सभी सिलाइयों को उल्टा निकालते हुए इसके अंदर मैं 8 से 10 सिलाइयाँ निकालूंगी। तो ये सभी सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट करती हूँ मैं, जिसमें दोनों तरफ से हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैंने अपनी ये 10 सिलाइयाँ भी कंप्लीट कर ली हैं। तो कुल हमारी इसके अंदर ये 11 रो गांठ स्टिच की बन गई है। 6 रो हमारी गोल्डन येल्लो से और ये 5 रो हमारी लाइट येल्लो से बनी है। तो कुल हमारी इसके अंदर 12 सिलाई तो अपनी गोल्डन येलो से निकली है और 10 सिलाई इसके अंदर निकली है। तो कुछ हमारी ये 22 सिलाइयाँ निकल गई। अब इसके अंदर वापस से अपना ये ऊन मैंने कट कर दिया है। अब इसके अंदर वापस से ब्लू कलर की ऊन से मैं इसमें 3 सिलाइयाँ निकाल के 34 सिलाई में सभी फंदों को घटा के अपनी घेरे की पट्टी को मैं तैयार करते हैं। इसके बाद अपनी चोली की पट्टी बनाएंगे। तो ये सभी सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट करती हूँ मैं। इस तरह हमने अपनी घेरे की पट्टी को तैयार कर लिया है। अब इसकी चोली की पट्टी बनाएंगे हम। चोली किस तरह से हम पट्टी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 24 फंदे डाल लिए। 01 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। मैंने 24 फंदे इसलिए डाले हैं कि जब हम इसकी साइड में सिलाई करेंगे, नहीं तो हम इसमें 20 फंदों में भी ये चोली बना सकते हैं। तो 24 फंदे डाल के मैंने अपनी सिलाई के अंदर जिस तरह से अपने घेरे की पट्टी में हमने नीचे की तरफ फंदे डाले थे और एक सिलाई उल्टी निकाली थी, उस तरह से मैंने अपने इसके अंदर 24 फंदे डाल के एक सिलाई उल्टी निकाल ली। अब इसके अंदर अपनी ये हमने लाइट येलो से बनाई है, तो ये गोल्डन येलो से बनाएंगे दूसरी पट्टी। इसके अंदर मैंने ये 6 सिलाइयाँ निकाली, तो अपने गोल्डन येलो कलर से इसके अंदर 6 सिलाइयाँ निकालूंगी। उल्टी तरफ से सभी सिलाइयाँ उल्टी निकलेंगी और सीधी तरफ से ये सिलाइयाँ सीधी निकलेंगी। तो इस तरह से इसके अंदर हम 3 सिलाइयाँ उल्टी निकालेंगे और 3 सिलाइयाँ सीधी निकालेंगे। तो इसके अंदर ये मैं 6 सिलाई निकाल के इसे कंप्लीट करूंगी।
इसमें हमें उल्टी तरफ से सिलाइयों को उल्टा निकालना है और सीधी तरफ से सभी फंदों को सीधा निकालना है। तो इस तरह इसके अंदर तीन सिलाइयाँ उल्टी तरफ से सभी फंदों को उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे और सीधी तरफ से सभी फंदों को सीधा बना के उसे कंप्लीट करेंगे। तो ये छः की छः सिलाइयाँ मैं कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसके अंदर ये छः सिलाइयाँ निकाल ली और हमारा ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे सात सात फंदे घटा देंगे, बीच में दस फंदे हम बाजू के रखें। तो यहाँ पे शुरू में मैं सात फंदे घटा देती हूँ, एक बनाया, फिर वापस ये सिलाई मिलेंगे इसे और इसे हम दो का एक कर देंगे, इसे सिलाई मिलेंगे इस तरह दो का एक कर देंगे। इसे सात फंदे घटाती हूँ मैं, सात फंदे घटाने के बाद एक फंदा ये हो गया, नौ फंदे और बना लेंगे, ये हमारे बाजू के हो जाएंगे। फंदे हमारे बाजू के हो गए, एक फंदा हमारा था, नौ और बना लिए, दस फंदे हमारे बाजू के हो गए। अब आगे के सात फंदे हैं, इन्हें भी हम इस तरह से दो का एक करते हुए घटा के अपनी ऊन को यहाँ पे हम कट कर देंगे। इससे मैंने ये इसे कंप्लीट कर लिया और अपनी ऊन को थोड़ा लंबा कट कर दिया जिससे इसकी सिलाई कर लेंगे। अब बीच में हमारे दस फंदे हैं, अब इसके अंदर एक सिलाई तो हमारी निकल गई है, अब इसके अंदर हम तीन सिलाइयाँ और निकालेंगे, सीधी, उल्टी और सीधी। तो ये तीनों सिलाइयाँ सीधी तरफ से सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। उस दूसरे इसके अंदर तीन सिलाई निकाल ली है, इसके उल्टी तरफ ब्लू कलर की उनको ज्वाइन कर लेंगे और इसके अंदर दो सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालेंगे दोनों तरफ से, सीधी तरफ से भी सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। और उसके बाद तीसरी सिलाई के अंदर सभी फंदों को घटा के अपनी चोली की इस पट्टी को कंप्लीट करते हैं, फिर अपनी ड्रेस की हम सिलाई करेंगे। इस तरह हमने अपनी ये इसे कंप्लीट कर लिया और इसकी मैंने सिलाई भी कर ली है। इसकी सिलाई करना आपको बताती हूँ। इसकी कैप भी हमने बना ली है, इसके अंदर मैंने 14 फंदे डाले हैं, चार सिलाइयाँ गोल्डन येल्लो से निकाली हैं, चार सिलाइयाँ लाइट येल्लो से निकाल के पाँचवीं सिलाई में सभी फंदों को घटा दिया। अब इन सब पीसों की हम सिलाई करेंगे। इस वाले पीस की मैंने सिलाई कर ली है, अब इसकी सिलाई के लिए इस तरह से इसे फोल्ड करके यहाँ से हम इसकी ऊपर तक सिलाई कर देंगे। इस तरह हमारी इसकी सिलाई हो गई है, हमारे दोनों पीस चोली के इस तरह से तैयार हो गए। अब चोली की इन पीस के हम इस तरह से थोड़ा सा तिरछा रख के इस तरह से इसकी यहाँ पे सिलाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा देती हूँ जिससे ये दोनों पीस हमारे जुड़ जाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके इस तरह से यहाँ पे इसकी तिरछी सिलाई मैंने कर दी है। अब घेरे से सिलाई करेंगे, जब इसकी बिल्कुल पक्की सिलाई हो जाएगी तो यहाँ पे मैंने हल्का सा कच्चा कर दिया है। अब अपने कैप की सिलाई करेंगे, पहले ऊपर वाले हिस्से की सिलाई करेंगे, फिर इसे फोल्ड करके साइड से सिलाई करके अपने कैप की सिलाई करते हैं। इस तरह हमारी ये सब पीस तैयार हो गए हैं। अब जो हमारी घेरे की पट्टी है, इस पट्टी के अंदर हम मैंने इस तरह से डोरी बना ली है। तो डोरी बनाने के लिए आप इस तरह से लूप बना के और फिर इस वाले लूप को इसके अंदर से ऊन को निकालते हुए इस तरह से हम ये डोरी बनाते हैं। अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है तो आप क्रोशिया से भी डोरी बना सकते हैं। इस तरह से हम ये डोरी बनाते हैं, उसके अंदर एक क्रोशिया से डोरी डाल लेती हूँ मैं। नहीं, आप इसे सुई धागे से भी डाल सकते हैं, मैं इसमें क्रोशिया से डाल देती हूँ। डोरी डाल लिया, अब इसकी चोली के सेंटर को
इस तरह से अपनी चोली की ये आगे वाले हिस्से को, इसके सेंटर में सुई धागे से हम इस तरह से यहाँ पे हल्का सा इसे सिलाई कर देंगे, सिर्फ हमारे आगे वाले हिस्से की इतनी सी सिलाई कर देंगे, पीछे का हिस्सा खुला रहेगा। इसलिए मैं अपनी चोली को यहाँ पीछे से अटैच कर लिया है। अब जब हम लड्डू गोपाल को पहनाएंगे तो पहले अपनी चोली को पहना लेंगे इस तरह से, और फिर अपने घेरे को इस तरह से खींच के इसके नोट लगा देंगे। इस तरह से हमारी ये ड्रेस तैयार हो गई। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।